ठीक है, वेलकम टू अदर वीडियो। आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक भर्ती 2024 बैच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकी लास्ट डेट आ चुकी है, इनकी फॉर्म की डेट आ चुकी है और कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, कितनी पोस्ट देखने को मिलेगा और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है और कब से फॉर्म अप्लाई डेट है, कब तक चलेगी, ये सारा डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको सिलेक्शन प्रोसेस और इसके अंदर एग्जाम पैटर्न किस होने वाले, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, बिना समय लेते हुए वीडियो को देख रहे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट आई है, 10,600 पदों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है जो कि पूरे ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हो। नेम ऑफ ग्रुप की बात करें तो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड होने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसी 10,600 होगी। नेम ऑफ पोस्ट आपको नाविक जीडी के देखने को मिलेगा और यहाँ पर हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स पूरे भारत के बच्चे अप्लाई कर सकते हो। जेंडर मेल के लिए कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो मेल के अंदर, फीमेल के लिए फॉर्म नहीं आई है। अप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, ऑनलाइन मोड है, आप अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, पीसी से, किसी भी थ्रू आप अपने से भी अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया। और वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, तो नाविक जीडी, डीवी, यांत्रिक, ये सारा पोस्ट देखने को मिल जाएगी आपको। और इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो तीनों पोस्ट के अंदर अलग अलग यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही है, यानी कि योग्यता आपसे जो मांगी जा रही है वो तीनों के लिए अलग अलग। और सबसे पहला जो योग्यता मांगी जा रही है वो 10th पास होगी नाविक डीवी के लिए, जो कि यहाँ पर डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको देखने को मिलेगा। नाविक जीडी के लिए यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए आपको यहाँ पर चाहिए बैचलर डिग्री वो विद आपको 60% मार्क्स के साथ ऑल सेमेस्टर में ला के, मैथ्स और फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट आपका 10th+2 के अंदर होना चाहिए। यानी कि मान के चलो साइंस से अगर आप 12th पास किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यांत्रिक के लिए भी यहाँ पर चाहिए वो साइंस से अगर पास किए हैं 12th पास तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 चाहिए, मैक्सिमम 25 चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको एज के अंदर छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मिलेगा ओबीसी के लिए 3 साल, एसटीएससी के लिए 5 साल के लिए। सैलरी आपको कितनी मिलेगी तो 38,700 स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलेगा। अप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें यहाँ पर तो 250 रुपये आपको पे करना है सारे कैटेगरी के लिए, एसटीएससी, ओबीसी, जनरल, ये सारे अदर स्टेट सारे के लिए। पेमेंट मोड आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और भी बहुत सारे फी पेमेंट यहाँ पर रखे गए हैं। इस फॉर्म को कैसे आवेदन करना है तो हॉट अप्लाई यहाँ पर दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप देखकर आवेदन कर सकते हो। 22 मई 2024 से फॉर्म स्टार्ट है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। और कहाँ से करना है तो आपका ऑनलाइन आवेदन यहीं से होगी, डाउनलोड नोटिफिकेशन यहीं से होगी और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, तो मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हो या फिर गूगल पर सर्च कर लेना सरकारी गवर्नमेंट वैकेंसी .com, चले जाना इस वेबसाइट पर, यहीं से आपका आवेदन होगी, यहीं से डाउनलोड नोटिफिकेशन होगी। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।